रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। दोस्तों आज के जमाने में अगर हमारे आंखों के सामने से मोबाइल थोड़ी देर के लिए भी हट जाता है तो हम सब लोग बेचैन हो जाते हैं कि कहीं उसमें कोई कॉल तो नहीं आई होगी, कहीं कोई उसमें मैसेज तो नहीं आया होगा, या कहीं कोई ऐसा अपडेट तो नहीं आया है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो हम शायद मिस ना कर जाएं। लेकिन दोस्तों आप वही सोचिए, अगर किसी का मोबाइल अगर चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो ये बहुत बड़े टेंशन की बात है उसके लिए आज के, क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ भी हम लोग अब मोबाइल के द्वारा ही करते हैं। दोस्तों ये खबर है उन सभी लोग के लिए, या हम कहें हम सभी लोगों के लिए, कि अगर मोबाइल गुम या चोरी हो जाता है तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आज हम आपको इसका बहुत डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे अगर आपका मोबाइल कभी खो जाता है या कभी गुम हो जाता है तो आप कैसे उसे आसानी से वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी डिटेल बताने वाले हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के चोरी हो जाने या खो जाने पर लोगों को अक्सर दिक्कत का सामना पड़ सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दोस्तों मोबाइल फ़ोन के चोरी हो जाने या खो जाने की घटना में शिकायत आप पुलिस को दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी खबर है, आने वाले समय में मोबाइल फ़ोन खोने या चोरी होने पर आसानी से वापस मिल सकेगा। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नया सिस्टम लेकर आने वाली है। इस सिस्टम के जरिए गुम या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर हो जाएंगे। जैसे ही आपका फ़ोन अगर खो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ तक कि सिम कार्ड निकालने और फ़ोन का IMEI नंबर बदलने के बाद भी यह सिस्टम फ़ोन को ब्लॉक कर देगा, जिसके बाद यह किसी भी काम का नहीं रहेगा। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने BSNL को सौंप दिया है, जो फिलहाल महाराष्ट्र में इसका पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR नाम के सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। CEIR में देश के हर नागरिक का मोबाइल मॉडल, सिम नंबर, IMEI नंबर मौजूद रहेगा। मोबाइल मॉडल पर निर्माता कंपनी द्वारा जारी IMEI नंबर के मिलान का सिस्टम C.DOT ने विकसित किया है। इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से राज्यों की पुलिस को सौंप दिया जाएगा, उसके बाद पुलिस को मोबाइल फोन ढूंढने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। दरअसल मोबाइल के खोने पर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस और सर्विस ऑपरेटर मोबाइल मॉडल और IMEI का मिलान करेंगे। अगर IMEI नंबर बदला जा चुका होगा तो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उसे तुरंत बंद कर देगी। हालांकि सेवा बंद होने पर भी पुलिस मोबाइल ट्रैक कर सकेगी। CEIR ऑपरेटर का फेक IMEI नंबर पहचानने में भी मदद करेगी, यानी कि इस नंबर को बदलने के बावजूद पुलिस फोन को ढूंढ सकेगी। इसके अलावा यदि कोई IMEI नंबर बदलने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक का जेल या जुर्माना भी हो सकता है। रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में।